राजधानी देहरादून से है, जहां चार धाम यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए आरटीओ द्वारा स्पेशल टीम का गठन किया गया है। बता दें कि गठित आरटीओ टीम द्वारा बनाए गए चेक पॉइंट्स में संयुक्त रूप से चेकिंग की जाएगी। वही कमर्शियल गाड़ियों के ग्रीन कार्ड, फिटनेस कार्ड समेत सभी दस्तावेजों को चेकिंग की जाएगी। साथ ही अगर कोई व्यक्ति यात्रियों को कमर्शियल गाड़ी के नंबर प्लेट के बदले प्राइवेट गाड़ी के नंबर प्लेट में चार धाम यात्रा कराएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये जो मामले हैं बहुत कम हैं इस बार, आजकल अब काफी सख्ती हो रही है, तो लोग जो पीली प्लेट की गाड़ियां हैं जो कमर्शियल व्हीकल में है उसी में यात्रा करते हैं, और अगर कोई व्यक्ति स्वयं यात्रा कर रहा है तो अपने प्राइवेट गाड़ी से जा सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हमारे यहाँ इन्फोर्समेंट टीमें बनी हुई हैं, हम लोग हर जगह चेक करते हैं, खासकर जो चेक पोस्ट हमारी हो उस पर हम लोग गाड़ी को रोकते हैं, उसको देखते हैं कि उसमें कहीं किसी ढंग की कोई विसंगति तो नहीं है, किसी पर जो शर्तें हैं उसका कोई उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है, गाड़ी बगैर परमिट तो नहीं है, फिटनेस कहीं गाड़ी खत्म तो नहीं है, गाड़ी में ज्यादा लोग तो नहीं बैठे हुए हैं, इन सब बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं।